Hello dear students, myself Hetal Karya from Kanha English Medium School and I am your class teacher. So, अब तक हमने क्या किया था last previous English lecture में exercise की थी chapter number 4 की right? Tina's best friend. Okay. So now we will do grammar part. That is on page number 25. Okay. So you have to take out page number 25 and there you can see the grammar part. Okay. In previous grammar, what we have learned about nouns and verbs, है ना? हमने ये दो nouns और ये verb ये दोनों learn किए थे, मतलब सीखा था. अभी यहाँ पे हम क्या learn करेंगे? Let us see. When we say something about ourselves or others, हम कोई भी बात कर रहे हैं हमारे बारे में या किसी और के बारे में, वी यूज दिस थ्री वर्ड्स. कौन से थ्री वर्ड्स हम यूज करते हैं? इज, एम, आर. ये थ्री वर्ड्स हम यूज करते हैं. ओके, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे दिस इज अ कार, सो दिस इज अ कार. ओके, सो हियर आई एम स्पीकिंग समथिंग अबाउट अ थिंग. कौन सी? कोई एक कार के बारे में बात कर रहे. सो आई रिटन हियर इज. जब यहाँ पे मैं बोलूँ वैसे कि वी आर गोइंग आउट, आर वी मतलब प्लूरल, हम सब. जब प्लूरल वन और मोर देन वन है तो वी बोलते हैं. मोर देन वन मतलब वी, और उसके लिए हम आर लगेंगे. प्लूरल जब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे के बारे में बात करें तो हम क्या लगाएंगे? आर. ओके, जब कोई प्लूरल मतलब वन चीज, एक ही चीज़ के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ कार लिखा है, आई नॉट रिटन योर कार्स, मैंने कार्स नहीं लिखा, सिर्फ कार, वन कार के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने इधर इज लगाई है. एंड आई, जब भी आप आई में, जब भी आप आई आपके बारे में बात कर रहे हो तो आपको क्या लगाना है? ऑलवेज एम, आपको एम ही यूज करना है. आई वी, आई इज, आई आर हम नहीं बोलेंगे, आई एम ही बोलेंगे. ओके, सो आई वांट टू से वन थिंग मोर, ही, शी और इट, दिस यू ऑलरेडी लर्न. ये आपने एचकेजी में भी किया है. ही, शी और इट, ही हम किसके लिए यूज करते हैं? बॉयज के बारे में. बॉय के, जब कोई बॉय के बारे में हम बात करें तो हम ही बोलेंगे. कोई गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शी बोलेंगे. और अगर इसके अलावा बर्ड्स एंड एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो हम ईट लगाते हैं. तो ही, शी और ईट के आगे हम क्या लगाएंगे? इज, एम, ई, आर. वी विल यूज ऑलवेज इज. ओके, हम यहाँ पे इज ही लगाएंगे. He is, she is, it is. Okay? Then, जब I है, I के हम जब I बोलते तो हम क्या लगाएंगे? Is, am, are. Always am. आपको am ही लगाना है. जब I हो तो am ही लगाना है. I am. You don't say I is, I are. हम ऐसे नहीं बोलते. हम बोलते I am 7 years old. जब भी कुछ हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो हम एम ही लगाएंगे. ओके, और जब आर कब लगाते हैं? वी, यू, दे, ये तीनों चीजों पे हम आर लगाते हैं. मतलब दिस इज प्लूरल थिंग्स. यू है तो वो प्लूरल ही है, बट जैसे हम यहाँ पे आई लगाएंगे एम लगा रहे हैं, यू है तो हम आर ही लगाएंगे. ओके, तो वी मतलब बहुत सारे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? आर. और दे मीन्स ऑल्सो बहुत सारे. जब प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे. वन से मैनी है, मैनी थिंग्स है, तब आर लगाएंगे. एक ही चीज़ है तो हम इज लगाएंगे. ही, शी, कोई एक के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए हम इज लगाएंगे. और आई जब है तो ऑलवेज एम. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
Okay. See, now here is one exam exercise given in your to list. Page number 26 nikalo. And this exercise I am doing over here. Explaining and doing over here. And you also have to do over here. Understood, students? Okay. So see, the sun dash shining. The sun. Sun kitne hai? Kitne sare hote? Nahi hote. Ek hi hota hai. So we use is. This is already done for you. Understood? Now, second, the sun is shining. We see, say like that. Second is you dash very good. जब यू होता है तो हम क्या लगाते हैं ऑलवेज आर राइट सो व्हाट यू विल राइट हियर यू आर हम कभी यू इज नहीं बोलते यू एम नहीं बोलते सो दिस सेंटेंस विल बी यू आर वेरी गुड ओके नाउ थर्ड आई डैश गोइंग टू बी मार्केट तो आई है व्हाट विल वी डू ऑलवेज एम I am going to the market. You say like this. Okay? Now, fourth one. She. Dekho yahan pe she hai. She dash my friend. So, she are my friend. She is my friend. She matlab ek hi girl ke bare mein hum baat kar rahe. So, she is. Okay? So, we use here is. She is my friend. Now fifth one, my friends. देखो यहाँ पे friends में s लगा है. Friends मतलब बहुत सारे friends. A friend मतलब one friend. तो यहाँ पे s लगा है तो बहुत सारे friends. So my friends dash coming today. तो बहुत सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे? Is are am are. My friends are coming today. Now last one, we dash going to study. बी मतलब हम सब एक के बारे में बात नहीं हो रही है बहुत सारे के बारे में बात हो रही है सो वी मतलब हम सब जब होता है तो क्या लगाएंगे आर सो वी आर गोइंग टू स्टडी सो यू हियर यू हैव टू राइट आर ओके स्टूडेंट्स दिस यू हैव टू डू इट इन योर टू लिप्स एंड कंप्लीट इट प्लीज थैंक यू